आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने गैर मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। जेडीयू को ट्रैक्टर चलाता किसान और लोजपा को त्रिकोण चुनाव चिन्ह के रूप में दिया गया है। इसी चुनाव चिन्ह पर जेडीयू और लोजपा राज्य की 81 सीटों पर चुनाव लड़ सकेंगे। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के आवेदन के आधार पर हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड में होने वाले चुनाव के लिए आयोग ने उनको चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। जेडीयू को महाराष्ट्र विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए डीजल पंप और चुनाव चिन्ह दिया गया है और वहीं लोजपा महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर त्रिकोण चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेगी।